दोस्तों, अशोक लीलैंड अपने बेड़े में नई नई गाड़ियों को डालता जा रहा है। नई नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग ड्राइवर के कंफर्ट, उनके प्रॉफिट को देखते हुए बनाई जा रही है। LCV यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अभी हाल ही में उन्होंने अपनी 3 गाड़ियां लॉन्च की, एक बड़ा दोस्त i1, i2 और बड़ा दोस्त में ही एक लिमिटेड एडिशन जो कि अपने एनिवर्सरी को मार्क करने के तौर पर उन्होंने लॉन्च की। क्या है इनकी खासियत, किस तरह ये आपको फायदेमंद रहेंगी, बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, कुछ साल पहले अशोक लेलैंड ने LCV सेगमेंट में बड़ा दोस्त को इंट्रोड्यूस किया। इसकी काफी डिमांड हुई, लगभग 35,000 से ज्यादा बड़ा दोस्त की गाड़ियां ऑन रोड चल रही हैं, ये इनका डाटा कहता है। बड़ा दोस्त को लॉन्च करने के साथ ही इन्होंने i3 और i4 लॉन्च किया था, और अब इन्होंने बड़ा दोस्त में ही i1, i2 और एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। क्या है इनकी खासियत, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ा दोस्त i1 की। बड़ा दोस्त i1, जिसका लोडिंग ट्रे काफी बड़ा बताया जा रहा है, इसका साइज लंबाई में 8.5 फीट और चौड़ाई में 5.7 फीट बताया जा रहा है। इसका टर्निंग सर्कल रेडियस 10.6 बताया जा रहा है, जो कि सिटीज में काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। फ्रंट और रियर एक्सल दोनों में ही ये सस्पेंशन है। 14 इंच के इसमें आपको टायर मिल जाएंगे। अब पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 1250 किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी है और इसका GVW है 2652 किलोग्राम। अब आइए चलते हैं बड़ा दोस्त i2 की तरफ। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं, लेकिन हाँ, पेलोड कैपेसिटी और लोडिंग ट्रे साइज में थोड़ा सा फर्क जरूर किया गया है। i2 का लोडिंग ट्रे साइज लंबाई में 9 फीट और चौड़ाई में 5.7 फीट ही है। इसका टर्निंग सर्कल रेडियस 11.3 मीटर है। इसमें 15 इंच के टायर दिए गए हैं। पेलोड कैपेसिटी इसमें 1425 किलोग्राम है और GVW 2880 किलोग्राम। वारंटी दोनों में सेम है, 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर। अब आइए बात कर लेते हैं इंजन की। दोनों ही वेरिएंट में अशोक लीलैंड का 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर्स इनलाइन 70 HP की ताकत के साथ 170 Nm टॉर्क के साथ शक्तिशाली इंजन मिल जाता है। ये इंजन टर्बो इंटरकूल्ड LNT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। LNT यानी कि लीन नॉक्स ट्रैप। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का यूरिया या AdBlue डालने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स में 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, जो डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आप कैबिन में वॉक थ्रू कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टर साइड की तरफ से चढ़कर आप ड्राइवर साइड पर बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं। ये तो हो गई बड़ा दोस्त i1 और बड़ा दोस्त i2 की बात। अब आइए स्पेशल एडिशन की बात कर लेते हैं, जो इन्होंने अपनी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए बनाई है। बताया जा रहा है कि इसमें इन्होंने काफी ऐसे फीचर्स दिए हैं जो लग्जरी गाड़ियों में होते हैं, जो इनके थीम को सार्थक सिद्ध करता है कि ट्रक भी और कार भी। इसमें बाकी सब कुछ तो वैसा ही है जैसा i1 और i2 में है, लेकिन कुछ खास फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें सेंट्रल लॉकिंग है, कीलेस एंट्री है जो एंटी थेफ्ट फीचर के साथ आता है। 7 इंच का इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कॉलिंग, एयर कंडीशनिंग और सबसे खास बात, रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, यानी कि रिवर्स करते समय आप कैमरे में पीछे कौन है क्या है देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई खास फीचर्स इस लिमिटेड एडिशन गाड़ी में दिए हैं। तीनों गाड़ियों का जो कैबिन है काफी वाइड एरिया में दिया गया है। इसमें एक ड्राइवर और उसके साथ 2 को-पैसेंजर बैठ सकते हैं। और सबसे खास बात, इसके अंदर जो लगी सीट्स हैं उनको आप फोल्ड करके बेड भी बना सकते हैं। कहीं लंबे सफर पर हैं, आपको कहीं रात रुकना पड़ रहा है या आराम करना है, तो आप सो भी सकते हैं। इन तीनों गाड़ियों में 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इन गाड़ियों की प्राइस की अगर बात करें तो इनके जो दोस्त सीरीज की गाड़ियां हैं लगभग उसी दाम की ये गाड़ियां हैं, 7 से 9 लाख के बीच में ये आ जाएंगी और स्टेट के हिसाब से रेट थोड़े से वेरी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कंपनी ये दावा कर रही है कि इंटरसिटी या इंट्रासिटी
कहीं भी अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शहर में छोटी तंग गलियों में भी आप इसको गुजार सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी किफायती सिद्ध होगा। इसका GVW काफी है, पेलोड कैपेसिटी काफी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ शहर में ही ट्रिप मार रहे हैं तब भी आप पर ट्रिप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। अभी ये गाड़ी सिर्फ लॉन्च हुई है, जब ये ऑन रोड आ जाएगी, वाकई में लोग इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, उसके बाद इसके क्या रिव्यू आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी जानकारी अशोक लीलैंड की नई लॉन्च की गई गाड़ियों की, बड़ा दोस्त i1, i2 और लिमिटेड एडिशन की। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।